जनता की सेवा के लिए एक विकसित मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। अब बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ कैच द रेन एवं देश की 75 वाटर हेरिटेज संरचनाओं के समागम से युक्त जल इतिहास पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम श्री चौहान ने कहा कि वाटर विजन @2047 पानी बचाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन @2047 में नेशनल फ्रेमवर्क ऑन सेफ रीयूज ऑफ ट्रीट एंड वेस्ट वाटर पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही प्रतीक स्वरूप पांचों नदियों का जल एक कलश में अर्पित किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक माह में हम मध्य प्रदेश की जल नीति बनाएंगे जिसमें सभी आयाम शामिल करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा वाटर बॉडी बनाई है और लगातार काम जारी है। और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि छोटी बड़ी मिला के चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाब, हमने 4.5 लाख से ज्यादा वाटर बॉडी बनाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत ग्रामीण के संबंध में बैठक की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास पर आयोजित क्षत्रिय समागम का शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मंत्रीगण एवं समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी ने आज निवास कार्यालय समत्व भवन में मध्य प्रदेश गान के रचयिता प्रख्यात पत्रकार एवं साहित्यकार श्री महेश श्रीवास्तव जी की काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण का विमोचन किया। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पौधे रोपे।